मार्क्सिस्ट सोच रखने वाले लोग थे, जिनको अगर आप वैसे मिले देखें तो उनमें कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं था, उनमें कोई किसी किस्म की वो सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी आइडियल्स नहीं थे, पर वो सिर्फ वो राइट बेस्ड बातें करते थे, तो लोगों ने उनको लेबल किया हुआ था कि ये सब हैं। तो उस तरह के हम भी स्टूडेंट थे, क्योंकि हम ऐसे लोगों से मुतासिर थे, इनकी बातें सुन। जिस जमाने में हमारी जनरेशन पढ़ रही थी, उस वक्त नॉलेज के जो फाउंटेन हेड्स थे वो लिमिटेड थे बड़े। आप लाइब्रेरी ही जाते थे, आप कावे खाने में बैठ के ही किसी सीनियर साफी या कोई जिस तरह जो इंटेलेक्चुअल जमाने में होते थे, तो हम भी कहीं कोने में खड़े हो जाते थे कभी और सुनते थे, सवाल जवाब होते थे, कभी कोई मुबाहसा ओपन होता था तो उसमें शामिल भी होते थे, अदरवाइज हमारा रोल पार्टिसिपेंट का नहीं था, ऑब्जर्वर का था। ये हमारी ग्रोइंग अप की, तो हमारी जो नश्वोनुमा हुई वो इस इम्बाइड नॉलेज हुई, हम उसको क्वेश्चन थोड़ी कर सकते थे। हमारे लिए तो अगर कोई बता रहा है कि मार्क्स ने ये कहा है तो वही, तो हम कहते यार ठीक है और बात है। और लेकिन अब ये हालात हो गए कि अब हम क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं रियल टाइम में, आपकी सबकी जेबों में इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कि अगर मैं कोई इस तरह की नॉनसेंस मारूं तो आपको 2 मिनट लगेंगे गूगल करने में और आपको उसके अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू के कई मिल जाएंगे, बड़े अथॉरिटेटिव इश्यूज और ऑफ कोर्स बहुत सारे नॉनसेंस भी मिल जाएगी। तो अब वो बात ही नहीं रही, अब हमारे नॉलेज को एक्सेस करने और नॉलेज को इस्तेमाल करने की इतनी ज़्यादा हो गई हुई अपॉर्चुनिटी कि अब हमें ये मसला पड़ रहा है कि इसमें से ठीक कौन सी है, इसमें से माने किसको, इसमें से छोड़े किसको, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया। पहले मिलता नहीं था, अब समझ नहीं आती, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। आदम पहली बात तो ट्रैवल की कर लेते हैं। अगर आप तारीख के स्टूडेंट हैं, जो कि हमें अक्सर होते हैं, तो दुनिया की किसी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को देखें तो आपको उसमें ट्रैवल नजर आएगा, क्योंकि इंसान का सीखने का तरीका ही एक ज़माने में सफ़र हुआ करता था, चाहे ट्रेड के लिए, चाहे जंग जदाल के लिए, चाहे मुल्क से फरारी के लिए, चाहे किसी तरह से अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, चाहे वैसे ही कोई शौक चढ़ा के निकल जाना है, काम नहीं मिल रहा तो चलो चल पड़ते हैं, किसी काफले के साथ बैठ जाते हैं, चल पड़ते हैं। इब्ने बतूता थे, फिर मार्को पोलो था, सूरी था, ये सारे जो मंगोलों के जत्थों के जत्थे आते थे, फिर ये जो जी बिल्कुल वो भी है एब्सोल्युटली, चांद का सफर, पेरिपेटेटिक लर्निंग, बिल्कुल वो उसकी गायबी रहा और उसकी सारी पढ़ाई वो पेरिपेटेटिक मॉडल था ना, वो चलता था, लोग साथ चलते थे, वो देखता था, बातें करता था, मुशाहिदा करता था, लोगों से बताता था, तो उसकी क्लास चलती थी पूरी। यस, दैट्स एन एक्सलेंट एग्जांपल। तो आपने देखा कि अगर इस तरह आप नाम लेते चले जाएं तो आपको कहीं पाकिस्तान की कहानी में सफ़र देखें, कितने लोग कहाँ से उठे, कहाँ गए, कहाँ पहुँचे, कितने कट गए रस्ते में, और कितने हैं जो अभी तक सेटल नहीं हुए, अभी तक मुसाफिर हैं। पाकिस्तानी डायस्परा ऐसी बहुत सी है जो अभी तक अपने घर को घर नहीं कह सकती या किसी जगह को अपना घर नहीं कह सकती। तो सफ़र जो है ना वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो इसलिए अगर आप सफ़र को स्टडी करें एज अ फिनोमिनन और एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन तो वो कितना फैसिनेटिंग होगा। तो फिर वो भी आप देख लें कि जब अल्लाह ताला ने हिदायत भी देनी थी मुसलमानों को तो उसका सिंबल जो था वो सफ़र को बनाया गया। ट्रांजिशन सिंबॉलिक भी है, एक तो फिज़िकल थी ना, लेकिन असल ट्रांजिशन ये थी कि जो मक्का के तागूत से मदीना की हॉस्पिटैलिटी का जो ट्रांजिशन था वो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भी था। खैर हम तो इसको डिवाइन जर्नी मानते हैं ना, इसलिए मैं नाउज़ बिल्ला इसको मैं तकाबुली नहीं तौर पे पेश कर रहा, लेकिन अगर उसको उस तरह से भी देखें तो वो भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन थी। ठीक है, कोलंबस को ले लें, निहायत सफाकी दिखाई गई, पूरा लोकल जो वहाँ की पॉपुलेशन थी उनको डेसिमेट कर दिया गया, उनका कल्चर छीन लिया गया, उनको बिल्कुल आज उनके कल्चर की चीज़ें ज़मीन से उखेड़ के मिलती हैं, ना जुबान जिंदा है उनकी, ना कोई ट्रेडिशन जिंदा है। वो कोलंबस का सफर था। ईस्ट इंडिया की आपने बात की, सबसे बड़ा जीडीपी दुनिया का, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी या 1/3 भी कुछ लोग कहते हैं, वो इंडिया का होता था एक ज़माने में। कितना अमीर ये मुल्क था कि सारी दुनिया कहती थी यार हिंदुस्तान से अमीर कोई नहीं मुल्क, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे पे इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो हमारे लोगों के हाथ काट दिए, हमारे आर्टिजन्स को उड़ा दिया, हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को मार दिया, हमारी जितने भी जो हेरिटेज थी उसको ज़मीन में दबा दिया गया और कई साल मिला ही नहीं। वो ठीक है, वो भी अंग्रेज़ को क्रेडिट जाता है कि उसने रीडिस्कवर किया इंडिया को, कई चीज़ों को, लेकिन यहाँ इंडिया बदल गया
फ्रॉम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट जीडीपी टू अ बास्केट केस यू नो. तो एवरी चाइना का ले लें, मार्को पोलो जब जब इंडिया जब मार्को पोलो चाइना पहुंचा था तो लोगों को तो चाइना का पता ही नहीं था, पूरी नई दुनिया थी ना, वैसी पोर्सलिन कहीं मिलती थी ना वैसा फर्नीचर कहीं मिलता था ना, इतनी तालीम याफ्ता लोग कहीं थे ना, कोई फॉर्मल ब्यूरोक्रेसी थी किसी और मुल्क में. होते जंग यूरोप में भी, यूरोप में तो फिफ्टम्स और लड़ाइयाँ झगड़े होते थे ना, इतनी ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी जो एक साल हज़ार साल से ब्यूरोक्रेसी उनकी मेरिटोक्रेसी थी. आम लोगों के घरों के बच्चे इम्तहान देते थे, सिविल सर्विस में भर्ती होते थे, मैंडरिन्स बनते थे और जाते जाते ऊपर बादशाह के करीब हो जाते थे और फिर वो रिटायर होते थे. पूरी सिविल सर्विस थी, कॉइनेज थी, बैंक नोट्स थे, बैंक ड्राफ्ट थे, ये सारी चीज़ें यूरोप में नहीं थी, चीन में एक हज़ार साल से थी. तो पूरी दुनिया जब खुली तो एक बंदा गया और उसने देखा कि यार हम यूरोप में इतना कुछ करते हैं, यार जो यहाँ हो रहा है तो हमने कभी देखा ही नहीं था. तो सफ़र जो है ना वो सही कहते हैं कि वसीला सफ़र होता है. तो ये तो मैं ट्रैवल किए वाले से सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा था कि हमें जब भी कभी मौका मिले हमें सफ़र करना चाहिए. स्कूल हम जब स्कूल ट्रिप्स की अपनी बात करते थे आपको याद होगा कितने हम एक्साइटेड होते थे और हम जाते थे और बड़ी छोटी छोटी हमारी ट्रिप्स होती थी, किसी फैक्ट्री को देखने चले गए, शालीमार गार्डन चले गए, हिरन मीनार चले गए. मुझे तो अभी तक अगर मैं हिरन मीनार ना जाता तो मुझे मुग़लों की एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का एलिमेंट शायद भूल जाता, लेकिन मेरा मुग़लों में इंटरेस्ट कभी ना पैदा होता. अगर मैं शालीमार ना जाता कभी तो मुझे मुग़लों की हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट ना होता, क्योंकि वो विजुअल और टैक्टाइल मुझे जब स्टिमुलस मिला तो मैंने उस एक हिरन मीनार की या उस एक बादशाही मस्जिद की या उस एक शालीमार बाग की विजिट से मैंने एक पूरी अपने दिमाग में मुग़लों की स्टोरी बिल्ड की. फिर मुझे पढ़ने में भी मज़ा आया, फिर मैंने हिस्ट्री भी देखी, फिर उनके मैंने मज़ीद जो चीज़ें मुझे नज़र आती रहीं, फिर उनकी कुछ शरारती बातें भी थीं वो भी हमने देखी, फिर मेरे नॉलेज हैंडल्स इंक्रीज़ करते गए. सो उस एक स्कूल ट्रिप के वजह से, ये ज़रा एक्सट्रीम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन उस किस्म के ट्रिप्स की वजह से. इसी तरह हमें कभी वो चिड़ियाघर ले जाएं आप किसी को, या बच्चों को जब आप किसी फैक्ट्री को दिखाने चले जाएं, या किसी बैंक का दौरा करा दें, कई दफ़ा वो हमें फ़ौजी यूनिटों में भी ले जाते थे. उस वक्त स्कूल ट्रिप्स का ज़्यादा रिवाज गालिबन था क्योंकि पढ़ाने में क्लास को इतनी एक्सेस नहीं थी नॉलेज रिसोर्सेज की ना, तो फिज़िकल ट्रिप्स होते थे. तो मुझे याद है कि एक दो दफ़ा हमें लाहौर छावनी करीब ही थी हमारे स्कूल के, तो कभी यूनिट में ले जाना, फिर चिड़ियाघर ले जाना, ये सारी चीज़ें. उससे क्या होता था कि आपको एक हैंडल मिल जाता है जिसके ऊपर, या एक पेग मिल जाता है नॉलेज का जिसके ऊपर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप हैंग करते हैं, और आपकी बहुत सारी असम्पशंस जो होती हैं ना वो उससे टेस्ट होती रहती हैं. मसलन मैं फ़ौजियों से अभी भी मोहब्बत करता हूँ, वो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादती होती है कई दफ़ा, क्योंकि मैंने 65 की जंग देखी थी. इत्तेफाक से हम मेरे वाले तो डिस्ट्रिक्ट सर्विस में थे तो गुजरांवाले में पोस्टेड थे, तो वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप बना ना उसमें आते थे ये हिंदुस्तानी फ़ौजी. मैं छोटा सा था, 5-6 साल का मेरी उम्र होगी, लेकिन मेरे वालिद जब मुझे एक आध दफ़ा ले ही भी गए उस कंपाउंड में, वो गुजरांवाला जेल में बना था, तो मुझे कहने लगे, हम ही कहने लगे बच्चों को कि आओ तुम्हें इंडियन फ़ौजी देखने. जंग तो छोटी सी थी ना, लेकिन वो फ़ौजी कुछ साल रहे, कुछ दिन रहे. तो मैंने पहली दफ़ा हिंदुस्तानियों से बात की, मैंने पहली दफ़ा पगड़ी वाला सिख देखा, मैंने पहली दफ़ा ये हिसाब लगाया कि मेरे वालिद इन लोगों से बड़े आराम से बात कर रहे हैं, ये दुश्मन है, इनके साथ हमारी जंग चल रही है. ये बाद में मुझे ये चीज़ें पता, उस दिन मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब मैं कनेक्ट करता गया कि ये हमारे दुश्मन हैं लेकिन मेरे भाग ने तो इनके साथ बड़ी अच्छी तरह पेश आए थे, और उनको खाना भी मिलता था, और वो अच्छी तरह पंजाबी में वो बात कर रहे थे हमारे साथ, और ये हो गया. फिर छोटी छोटी चीज़ें इस तरह कनेक्ट जब आप करते हैं ना, तो आपकी एक लीनियर जो ट्रेजेक्ट्री है ना नॉलेज की, वो इनरिच होती चली जाती है. तो इसलिए जब मैंने प्रिजनर ऑफ वॉर का कोई कहानी पढ़ता हूँ तो मुझे वो आधा घंटा याद आ जाता है जो मैंने गुजरांवाला के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में बगैर कुछ सोचे समझे, 5 साल की उम्र में, कुछ मुझे याद नहीं है मेरी क्या बात हुई, लेकिन मुझे वो याद है कि जंगी कैदी ऐसे होते हैं, बेचारे ज़मीन पर बैठे होते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता वगैरह वगैरह. सो मेरा एक नॉलेज हैंडल था जिस पर मैं जब भी कोई प्रिजनर ऑफ वॉर या कोई असीरों की या कोई ऐसी कहानी सुनता हूँ तो सडनली वो शाखों की तरह वो बढ़ने लग जाती है, और मेरी इमेजिनेशन उन होल्स को फिल कर देती है, या मेरी दूसरी रीडिंग उन होल्स को फिल कर देती है जो मैंने खुद तो नहीं देखे लेकिन मैं उनको रियलिटी में इस्टेब्लिश कर सकता. और एक्सपोजर और विजिटिंग जो है ना, इट इज़ इंटेग्रल एंड पार्ट एंड पार्सल
ऑफ एनी बॉडीज लर्निंग एक्सपीरियंस। इसीलिए कुएं के मेंढक की सलाह है जिसको हम इतना इस्तेमाल करते हैं कि जो आदमी सिर्फ अपने को सही कहे, जो सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को ऊपर थोपे और किसी की बात ना समझे और वो विजिबली नाइव या गलत बात कर रहा हो, तो लोग फिर कहते हैं ये कभी निकला नहीं कहीं लगता है, या ये फलां अपने घर से ही नहीं निकला, या ये मोहल्ले का ही रहने वाला है, इसको बाहर का नहीं शहर का नहीं पता। आप कहते हैं ना ये हमारे आम इस्तेमालें इस्तेमाल होती, तो फिर आपने प्रूव किया कि जब आप निकलते हैं तो आपका जहन बदलता है, और आप जितना ज़्यादा निकलते हैं उतना ज़्यादा जहन बदलता है। हाँ, इसमें एक कैवियाट ज़रूर है, और वो कैवियाट ये है कि जो ट्रैवल आपका बेमकसद होता है ना, वो एक अरबी का बड़ा मशहूर वो मकूला है ना कि अगर तुम्हें पता नहीं ना तुमने कहाँ जाना है तो फिर किसी तरफ भी चल पड़ो, पहुँचना तो तुमने आ नहीं। सो ट्रैवल का भी अगर कोई पर्पस होगा, ट्रेड हो, वॉर हो, ऑक्यूपेशन हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, लेकिन जब आप किसी मकसद के लिए अपनी नकल मकामी करते हैं, मकानी करते हैं, तो उसके लिए फिर उसके जो नतायज होते हैं ना, वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं। अब आप अगर ना करना चाहें तो एक आखिरी बात मैं कर दूँ, एक रिवर्स ट्रैवल भी होता है, ये हमारा तजुर्बा है। मसलन हमारे बहुत से लोग छोटी उम्र में दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, या गांव से शहर आ जाते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है ना, और फिर वो कुछ साल उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं। वो जो वापसी का है सफ़र है ना, वो भी एक बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड एक वो है। मैंने बहुत साल पहले तालिबान ये 70s के अंदर मैंने ये ब्रिटिश काउंसिल में एक किताब देखी थी जो अभी तक मुझे वो याद है, और वो किताब थी पाकिस्तानी डायस्परा पे, जो जब ये डैम बने थे ना हमारे बड़े बड़े, तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जेलम वेलम से वो बरतानिया चले गए थे, और वो जब वहाँ चले गए थे तो बहुत साल, क्योंकि वो बहुत अमीर या मुतमविल लोग नहीं थे, वर्किंग क्लास लोग थे, तो उनको कई साल लगे बरतानिया की वेलफेयर स्टेट में अपना मकान बनाते हुए, और कई बहुत से लोग यहाँ नहीं आ पाए। इस दौरान यहाँ क्या हो रहा था, डेकेड ऑफ रिफॉर्म्स थी, डैम बन रहे थे, सड़कें बन रही थी, अयूब खान का पूरा दौर आपने देख रहे थे, मुल्क सो कॉल्ड उस वक्त तरक्की कर रहा था। फिर क्या हुआ, फिर लिबरल इन्फ्लुएंसेस आने शुरू हुए, जब भुट्टो साहब आए, मैं बीच में ऐसे कूदे ढाका को जान के छोड़ गया हूँ, वो भी लोगों को उसका भी ज़्यादा ही पता था। फिर लिबरल टेंडेंसी शुरू हुई, फिर लोग गल्फ जाने शुरू हुए, फिर एक और किस्म का पाकिस्तानी फॉरेन वर्कर क्रिएट हुआ, करते करते पाकिस्तान के माशरे में दुबई सिंड्रोम आया। बाय द एंड ऑफ द 80s ये लोग जो 60 की दरमियान की दहाइयों में पाकिस्तान से गए थे, इनके बच्चे या ये इन्होंने आना शुरू किया बच्चों के रिश्तों के लिए, पुरानी ज़मीनें बेचने के लिए, माँ बाप की तदफीन के लिए, वगैरह वगैरह। तो जब ये आए तो ये उसी पाकिस्तान के उसी रवैयों के अमीन थे जो 60 की दहाई में थे। जब ये वापस आए तो मिसफिट हो गए, इनको कोई समझ ही नहीं आया कि ये तो वो पाकिस्तानी नहीं है यार, मैं तो यहाँ से ऐसा ऐसा होता था, यहाँ वैसा होता था, वहाँ ये चीज़ मिलती थी, वहाँ ये करते थे, तो ये तो पाकिस्तानी अच्छा नहीं है। इन्होंने कितनी प्राइस पे की उस रिवर्स ट्रांजिशन की, पहले यहाँ से उखड़े, बरतानिया में फिट नहीं हुए, सारों ने कहा काले हो, अंग्रेज़ी नहीं आती, झूठे हो, पॉलीवॉग्स हो, ठीक है, बेचारे मिसफिट हो गए, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेट, यहाँ से अच्छे खासे काश्तकार भी कुछ गए होंगे, कुछ मिडिल क्लास वाले भी गए होंगे, लेकिन वहाँ फिट नहीं हुए, पूरी एक जनरेशन उनकी ज़ाया हो गई सिर्फ अंग्रेज़ों के अंदर अपनी जगह बनाने में। फिर उनकी औलाद जो वापस आई तो ये भी मुल्क उनका नहीं था, और अभी भी आप कई दफ़ा देखते हैं अजीब अजीब कहानियाँ हमारी जो डायस्परा वापस आती है उनके साथ होती हैं, अभी भी होती हैं। मसलन ज़बरदस्ती लड़की की शादी कर रहे हैं, वो मान नहीं रही, यहाँ वाले मान नहीं रहे, कहते यार ये क्या हमारे बच्चे हमारे काबू में नहीं रहे, हालांकि अब यहाँ भी आप लड़कियों से पूछ के शादी करवाते हैं उनकी, लेकिन उनके लिए वो कितना बड़ा शौक है कि यार ये तो वो पाकिस्तानी नहीं, हमने 30 साल इन वैल्यूज़ की अमानत रखी, वो पाकिस्तानी पाकिस्तान में भी नहीं मिलती वो वैल्यूज़, तो कितना उनके लिए रिवर्स ट्रांजेक्शन कॉस्टली है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए। तो ये ऐसे मुझे ख्याल आया कि ये बड़ी लंबी गुफ्तगू है, लेकिन ट्रांजिशंस और ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ लर्निंग और ये सारी बातें इस पर बहुत बहुत लिखा गया है, और मैंने वो किताब पढ़ी थी 70s या अर्ली 80s में, तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि एक पूरी जनरेशन हमारी जो है ना कितने कर्ब में गुजरी। तो अब आते हैं जी ये इनोवेटिव पेडागोजीज़, पेडागोजी बता दे खुद तो पता नहीं
उसकी साइंटिफिक तो बहुत डिफरेंट उसकी इंटरप्रिटेशन हैं जो थोड़ी बहुत वो ये इन एक्सपर्ट से आप पूछ लें, लेकिन जो झटका उसका है ना कि तदरीस का वो तरीका जो सिखाने में सबसे कारामद साबित हो उस तलमीज़ के लिए जिस जो आपके सामने बैठा हुआ अगर आप साहब, तो वो बेसिकली तरीक़ाकार के ऊपर बात हो रही है। अब अगर आप देख लें तो मैं आज की जो गुफ्तगु है उसको ना तीन ब्रॉड डिस्कशन पॉइंट्स में कर लूँगा। एक वो लर्निंग है जो इनसाइड द, और ये हम फॉर्मल लर्निंग की बात कर रहे हैं, ये नॉन फॉर्मल की या इनफॉर्मल लर्निंग की बात नहीं कर रहे, वो तो डेली बेसिस पे हो रही है ना। मैं आपको लर्निंग एनवायरनमेंट रिलेटेड बात करने के लिए मुझे आप सामने हुक्म दिया था। पहली चीज़ है जो क्लास में या ऐसी लर्निंग एनवायरनमेंट में जो एक तरह से सर्कमस्क्राइब्ड लर्निंग एनवायरनमेंट है, क्लासरूम है, लैब है, जो भी है, जिसमें आपकी जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल कर रही है आपके लर्निंग स्टिमुलसेस को किसी हद तक, ठीक है ना। एक दूसरी चीज़ है जो आजकल बहुत हो गई है जो कि ऑनलाइन है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है या एडटेक के जरिए चल रही है, जिसमें जो कंस्ट्रेंट्स है ना फिजिकल वो इवेपोरेट कर गई है। जो ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट की क्लासरूम है उसमें फिजिकल कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं, उसमें टाइम और स्पेस के बैरियर्स हैं, और उसमें कॉन्टेक्स्चुअल चैलेंजेस हैं। जो पहली वाली थी ना उसमें कॉन्टेक्स्ट आपने बिल्ड कर दिया, ये फिजिक्स की लेबोरेटरी है, ये कंप्यूटर का ढंग कमरा है, ये ज्योग्राफी का क्लासरूम है, तो क्या होगा कि आपकी जो सारे लर्निंग स्टिमुलसेस उधर असेंबल किए जाएंगे वो उस बात, उस नैरेटिव से, उस करिकुलम से और उस डिलीवरी से मुमासिलत रखेंगे जो टीचर क्रिएट करनी चाह रहा है। मसलन मैं मेडिकल में पढ़ता हूँ तो मेरी एनाटॉमी का जो म्यूज़ियम है ना उसमें एनाटॉमी के हवाले से ही चीज़ें लिखी हुई हैं, लेम्स पढ़ी हैं, स्केलेटन्स पढ़े हैं वगैरह। जो मेरा फिजियोलॉजी का म्यूज़ियम है उसमें फिजियोलॉजी की चीज़ें पढ़ी हैं या लैब वगैरह। तो इसी तरह हमने कंस्ट्रेंट्स को बिल्ड किया है ताकि जो लर्निंग स्टिमुलस है वो रिवर्बरेट करे, वो एको करे, ताकि जब आप उस एक घंटे या उस एक सेशन या इस सेमेस्टर में ज्योग्राफी के क्लासरूम में बैठे हैं तो फिर आप सिर्फ ज्योग्राफी को देख रहे हैं। और कभी अगर कंपैरेटिव स्टडी करनी भी है, मसलन कुछ क्लासों में हमारे बचपन में ज्योग्राफी और हिस्ट्री इकट्ठे पढ़ाए जाते थे, कुछ सेशंस ऐसे होते थे कि जब आप मसलन हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक जब पढ़ रहे हैं या बैटल ऑफ कनौज पढ़ रहे हैं या कुछ, तो उसमें ज्योग्राफिया भी होता था, इंडिया का मैप भी आ जाता था, उसमें मुगलों की मूवमेंट भी आ जाती थी, उसमें ये अफगानों की मूवमेंट भी, तो वो बड़ा फैसिनेटिंग होता था कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी इकट्ठी पढ़ रहे हैं। तो बारिंग दोज जो पहली चीज़ है ना वो आप अपनी लर्निंग एनवायरनमेंट को लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि बाहर से डिसरप्टिव एलिमेंट को मिनिमाइज कर दिया जाए, ये पहली चीज़। दूसरी जो क्लासरूम है वो आजकल की ऑनलाइन क्लासरूम है जिसमें टाइम और स्पेस की कोई आप पे कैद नहीं है, कॉन्टेक्स्ट की कोई कैद नहीं है। एक बंदा रशिया में वो आपकी क्लास पढ़ रहा है, एक इंडिया से लॉग इन किया हुआ है, एक बांग्लादेश में बैठा हुआ है, टीचर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का हो या पाकिस्तान का हो, और वो सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है साथ ही दो तीन स्क्रीनों पे लोग खोल के उसको गूगल भी कर रहे हैं, उसकी कोई और चीज़ें भी निकाल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड सर्चेस हो रही हैं, और ये टीचर उसको इनकरेज कर रहा है कि चलो भाई अपनी अपनी टैबलेट्स खोल लो और आई वॉन्ट यू टू गो गूगल दिस और आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस और फलां चीज़ें हैं, ब्रिंग मी 5 टेड टॉक्स दैट आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो टीचर अपना काम भी उनसे करवा रहा है और टाइम एंड स्पेस को जान के एलिमिनेट किया गया है इस क्लासरूम में, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट्स नहीं बनाए, ताकि वो कंस्ट्रेंट्स नहीं बनाए कि उनकी लर्निंग बच्चों की सर्कमस्क्राइब हो जाए, लिमिट हो जाए और स्टंट हो जाए। अगर मैं आपको वो भी दिन याद होंगे जब कैलकुलेटर क्लास में अलाउड नहीं होता था, छीन लेता था टीचर, हालांकि अगर आप देखें कि वो जो उसकी मेंटल स्पेस है, वो जो मेंटल मैथ कर रहा है, हाँ उसमें एक कोई ना कोई ऐसा ब्रिलियंट होता होगा जिसको सारे पहाड़े याद होते होंगे, जो मेंटल मैथ कर लेता होगा 10 डेसिमल्स तक, कितने थे, हमारा तो वक्त ही ज़ाया होता था ना, सिर खुरकते रहते थे यार इतने जमात ना कितने होते हैं, या चीट करते थे फिर। तो कैलकुलेटर अगर रख लिया जाता तो हमारी जो लर्निंग स्पेस है वो कैलकुलेटर जो रिपिटेटिव एक्सरसाइज है वो करता रहता, हमारी लर्निंग स्पेस कितनी बढ़ जाती। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद लेट फीस थे, आधा टाइम हो गया, आधा टाइम हो गया, अब इसके बाद से लेट। तो ये दूसरी है जिसको रिवर्स कर दिया गया, इसकी लर्निंग भी फ्लिप्ड है। आजकल फ्लिप क्लासरूम्स की आप अक्सर बात सुनते हैं,
कि जो क्लास में पढ़ने वाले चैप्टर हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, जो नैरेटिव्स हैं, वो आपने क्लास में नहीं पढ़ने, लेक्चर नहीं होना, वो आपने पढ़ के आने हैं। क्लास में उसके ऊपर तनकीद होनी है, तहकीक होनी है, बहस होनी है, और कोई ना कोई नतीजा निकाल कर उस नतीजे की डिफेंस करनी है आपने, उस नतीजे के अपने पर्सपेक्टिव को डिफेंड करना है। आजकल क्लासेस ये प्रेफर की जा रही हैं कि हमें बता दिया जाता है कि आपने फ़लाँ चैप्टर पढ़ के आना है, उसकी फ़लाँ एक्सरसाइज आपने की होगी, और फिर आपने आके क्लास में बताना है कि आपने मज़ीद क्या ढूंढा उसके बारे में, कितनी आपने रेफरेंसेज उठाई, कौन सी लिंक्स आपने सर्च की और किस तरह से की, और फिर आपने ये बताना है कि ये जो हम प्रोपोजिशन या असम्पशन के ऊपर बात करने वाले हैं वो ठीक है या गलत है और क्यों। तो फिर आपके स्टूडेंट्स भी ऐसे, अगर आपके तो डॉक्टर वाले हैं वो तो करते ही हैं, बट मैं तो बाकी बात कर रहा हूँ कि अब जो अच्छे स्कूल हैं ना उनमें ये डायडेक्टिक ही बदल गया है कि वो कहते हैं अच्छा जी अब बताओ फिर क्या ख्याल है, फिर ऐसा होना चाहिए कि नहीं। फिर जो लाइक स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा न्यूएंस्ड गुफ्तगू करते हैं, जो दूसरे होते हैं बेचारे मुँह खोल के देखते रहते हैं इधर उधर, घंटी का इंतज़ार करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि कितना बदल गया, एक जगह कंस्ट्रेंट आपने इम्पोज़ की है ताकि लोग सीख सकें, और दूसरी जगह आपने कंस्ट्रेंट रिमूव की है ताकि लोग सीख सकें। तो ये फ़र्क है, और इन दोनों में इनोवेशन हो रही हैं। ये नहीं कि वो पुराना है तो वो ख़राब है, तो फरसूदा है, तो दकियानूसी है। क्लासरूम की लर्निंग की भी अभी तक वैलिडिटी उतनी ही है, लेकिन ये जो दूसरी वाली अब हम देख रहे हैं आजकल बड़ी मॉडर्न जो स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं उनकी और है। उसकी दो वजह, कुछ किस्म की पढ़ाई जो है वो सिर्फ क्लासरूम में ही हो सकती है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही और उस रिवर्बरेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर ही हो सकती है, जबकि वही लर्निंग एनवायरनमेंट किसी और किस्म की लर्निंग को डिस्ट्रॉय कर देता। अब आज तीसरी, ये तो अभी मैं फ्रेमवर्क की बता रहा हूँ, तीसरी चीज़ है जो हाइब्रिड है, उसमें डॉक्टर साहब की वाली बात अभी मैं करूँ। ये वो टेक्निक है जो किसी फॉर्मल पैरामीटर को फॉलो नहीं भी करती, लेकिन इसकी लर्निंग पेडागोजीज थेरी में बेस्ड होती है। ना क्लासरूम होती है, ना इंटरनेट होता है, हो सकता हो ना कोई स्टूडेंट टीचर का रिश्ता हो, ना कोई फॉर्मेलिटी हो जिसको हम क्लास या नॉन क्लास या ऑनलाइन या स्मार्ट क्लास कह सकें, लेकिन उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी डायडेक्टिक की डिज़ाइन होती है, उसकी पेडागोजिकल मार्कर्स होते हैं, उसकी असेसमेंट होती है, उसके रिजल्ट आते हैं। सो जो आपकी जो लर्निंग डिज़ाइन है ना, वो तीनों में उसी तरह से यकसानियत से थेरी पे बेस्ड है, लर्निंग थेरीज पे बेस्ड है, टैक्सोनॉमीज पे बेस्ड है, और जिस तरह आप मेजरेबल लर्निंग को कंडक्ट कर सकते हैं वो उस पे बेस्ड है, लेकिन जो उसका पैरामीटर है वो बदल दिया गया है। तो पहले की तो मिसाल देने की ज़रूरत नहीं, वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ अ क्लासरूम बेस्ड सिस्टम। अभी भी ऐसा होता है, कुछ ऐसी पढ़ाइयाँ थी जो ना कभी पहले क्लासरूम बेस्ड थी और ना अभी आइंदा होंगी। मिसाल के तौर पे मैं एग्ज़ाम्पल अक्सर देता हूँ मेडिसिन की, कि पहले दो साल आप क्लासरूम में खूब रुलते हैं अच्छी तरह, आपको बेसिक साइंस वो इतनी पढ़ा देते हैं कि आपको इतनी समझ आ जाती है कि अब हमने इसको प्रैक्टिकलाइज कैसे करना है। फिर अगले जो अक्सर तीन साल हैं वो ज़्यादा वक्त आपका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में गुजरता है, ताकि जब तक आप फाइनल एग्ज़ाम दें तो आपकी इतनी हिस डेवलप हो गई हो कि आप जजमेंट कर सकें एज ए फिजिशियन, और फिर आप इम्तहान देते हैं। इसी तरह वकील ट्रेन होते हैं, इसी तरह जो है वो अकाउंटेंट्स ट्रेन होते हैं। इट्स अ डीप ब्लेंड ऑफ क्लासरूम लर्निंग एंड एल्बो ग्रीस एंड अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग एज पार्ट ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू डू। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों ऐसे फैसले करने होते हैं जो लोगों की जान माल जिससे लिंक होती है, वकील, अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो लोग होते हैं जो अगर अपना काम चॉइस में छोड़ के आ जाएं तो काम नहीं हो सकता। तो वो क्लासें अभी भी लगती हैं, वो क्लासें अभी भी लगती हैं, और वो उनका मनेमुल बदल नहीं होगा, वो पढ़ाना ही पड़ेगा आपको लोगों को क्लास में बिठा के, क्योंकि बेसिक्स इतनी स्ट्रांग है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब जिनकी किताबी पढ़ाई को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। आजकल के दौर में जब AI वाली लर्निंग आ गई है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इनबिल्ट है उसकी इंटरफेस के अंदर, और वो प्रिडिक्ट कर रहा है। मसलन अब आप में से कितने लोगों ने GRI का, या आपके मेरे तो खैर बच्चे दे बैठे हैं, या TOEFL वगैरह के इम्तहान देते हैं ना, वो कैलिब्रेटेड एग्जाम होते हैं, जैसे जवाब दे रहा है बच्चा वैसा अगला सवाल आ रहा है। अगर वो दो तीन जवाबों ने, दो भी नहीं, तीसरा भी नहीं,
दो सवाल उसने अगर गलत किए ना तो आसान सवाल आ जाता है, अगर उसने तीन सवाल ठीक किए हैं तो मुश्किल सवाल आ जाता है। तो अगर उसने 60 की बैटरी करनी है तो दो स्टूडेंट्स एक ही क्लास में बैठ के AI के जरिए कंप्लीटली डिफरेंट एग्जाम्स दे रहे हैं। पूल जो है क्वेश्चंस का वो खुद फीड कर रहा है कि अच्छा बाबर साहब ने दो सही कर लिए, इसका मतलब है इनको ये सब्जेक्ट आता होगा, एक लेवल का ऊपर का इम्तिहान दे दो, क्वेश्चन फीड कर दो, या फैज शाह बेचारा दो में रह गया है, अब इसको एक स्टेप नीचे का दे दो, शायद अगर मैं फिर कर गया तो फिर उसको एक स्टेप कर देंगे दो के बाद, ना किया तो एग्ज़ाम बंद भी हो जाएगा, कहेंगे ठीक है थैंक यू आप अगली दफ़ा आएँ, ऐसा भी होता है। कंप्यूटर आपको पढ़ा भी रहा है, सिखा भी रहा है और आपको एग्ज़ाम भी ले रहा है। फिर ये जो हमारी कंप्यूटर, बहुत साल पहले जब मैं पढ़ता था, मैं PhD कर रहा था, तो मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट की थी कंप्यूटर एडेड एजुकेशन, उस वक्त कंप्यूटर एडेड एजुकेशन होती थी mid-80s में, तो उस वक्त हम समझते थे ये बड़ा ही साइंस का वो है अजूबा है कि कंप्यूटर पढ़ाएगा हमें, तो दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर एडेड एजुकेशन। तो हम बड़े हैरान होते थे, हम कहते थे यार ये नहीं चलेगा, लेकिन अगर अब आप देखें तो बहुत सारे उस्ताद अपने क्वेश्चन पूल्स को कंप्यूटरों से लेते हैं, बहुत सारे अपने नोट्स या उनकी पढ़ाई का जो तरीका होता है वो कंप्यूटर एडेड होता है, और उनको पता भी नहीं है कि 25 साल पहले ये तजर्बाती चीज़ थी। हमारे जो नए टीचर ट्रेन हो रहे हैं वो मल्टीमीडिया पर ट्रेन हो रहे हैं, तो अब वो क्लासें अभी भी लग रही हैं लेकिन उसकी पढ़ाई का तरीका बदलते जा रहे हैं। सो ये चैलेंज नहीं होगा, क्लासें लगती रहेंगी कुछ ऐसी जगह, और दूसरी तरफ आप ऑनलाइन पे जिस तरह मूव कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि ये जो स्मार्ट स्कूल्स हैं और ये जो बीकन हाउस टाइप के जो ज़रा ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसमें आप नोट करें कि पूरे पूरे क्लासरूम्स हैं AI लर्निंग के, बच्चे उसमें और पैसे दे रहे हैं माँ बाप सिर्फ इसलिए कि जी अब हमारा बच्चा मॉडर्न हो जाएगा। तो ये दोनों इस पे तो सवाल जवाब आप कर लें बेशक, अपनी राय भी दे लें, लेकिन दीज आर स्टेबल मॉडल्स अंटिल द नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन कम्स, और इसमें इनोवेशन हो रही है। क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है, कौन सा मटेरियल पढ़ाना है, स्मार्ट बोर्ड को कैसे यूज़ करना है, अब आपके स्मार्ट बोर्ड के पीछे पूरे इंसाइक्लोपीडियाज हैं नॉलेज के, तो उस पर प्रेशर आप ये आ रहा है कि स्टूडेंट से ज़्यादा हटता हटता टीचर पर प्रेशर आ रहा है कि वो उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्लासरूम के अंदर किस तरह से समोए कि वो खुद ऑब्सोलीट ना हो जाए। इस वक्त टीचर का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जो अच्छा टीचर है ना वो नहीं है कि जो नोट्स पे नोट्स पढ़ा सकता है, अच्छा टीचर वो है जो स्टूडेंट्स के शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स को एंगेज रख सकता है और उसमें इंक्रीमेंटल नॉलेज एडिशन कर सकता है। और टीचर अब एक तरह से एंसिलरी बन गया, पहले टीचर फोकस होता था, और हमारी अभी भी ये खाम ख्याली है कि हम टीचर हैं तो हम सेंटर हैं क्लासरूम के, स्टूडेंट हमें नहीं सेंटर समझते, वो हमें एक फैसिलिटेटर या एक वसीला समझ रहे हैं कि ये वो बंदा है जो हमें पॉइंट करेगा टू द राइट डायरेक्शन, चीज़ तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे, और अगर ये नहीं भी करेगा तो हम फिर भी ढूंढ लेंगे। तो टीचर अब एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बन गया अगर वो पुराने स्टाइल से पढ़ाता रहेगा। तो इनोवेशन पेडागॉजी की ये है क्लासरूम में कि टीचर भी अपने आप को उसी तरह से टेक्नोलॉजी और एडटेक के साथ फेमिलियराइज करे, उन सोर्सेज को पढ़े, और बहुत से ऐसे हमारे टीचर हैं जो ऐसा कर रहे हैं एंड दे आर करंट, और बहुत से ऐसे भी होंगे होंगे मैंने प्यार से कहा है जो नहीं कर रहे, तो दे विल लूज ट्रैक्शन। जबकि ऑनलाइन लर्निंग के रिसोर्सेज भी एक प्लेटो पे आके रुक गए, जब ये MOOCs आई थी, जब ये असिस्टेड लर्निंग का रेवोल्यूशन आया था आज से 6-8 साल पहले, हर बंदा कहता था जी ओ खान अकेडमी, ओ बड़ा वक्त जी Udemy, तो ये तो वो सब उसमें जाते थे। हमारे अपने स्टूडेंट्स कहते थे जी वाई आर यू चार्जिंग $27,000-$28,000 ईयर फॉर अ फी, यही तो कोर्स मुझे MIT का कोर्स मिल जाता है $30 में, बल्कि मुफ्त मिल जाता है, सर्टिफिकेट ले रहा हूँ तो 30 देता हूँ। फिर हम उससे कहते थे अच्छा भाई जान फिर वो कर लो, जब नौकरी लेने जाओगे तो बता देना। तो वो क्या हुआ कि वो जो एक फीवर रश था MOOCs का और ऑनलाइन लर्निंग का, उसका एक नेचुरल वो वाटरशेड आ गया। वहाँ टीचर की ज़रूरत पर लोगों को पता चली, वहाँ क्रेडेंशलिंग की चीज़ें पता लगी, वहाँ क्वालिटी एश्योरेंस पता लगी, वहाँ असेसमेंट्स का लोगों को ख्याल आया, फिर पता लगा कि फॉर्मल लर्निंग जो होती है ना वो वन वे लर्निंग नहीं होती, उसको रिप्रोड्यूस भी करना पड़ता है, उसको इंक्रीमेंटली इंक्रीज भी करना पड़ता है। अब ये जो डॉक्टर साहब PhDs कराती हैं या जो डॉक्टर साहब भी कराते हैं, कहता मेरे हाथ में भी आ जाता है, हमने उनको कुछ पढ़ाना नहीं होता, हमने उनको चैलेंज करना होता है। हाँ फ्रेमवर्क्स होते हैं, और हमने ये देख उनको ये बताना होता है कि तुम्हारी डिग्री तुम्हें उस वक्त मिलेगी जब कुछ इंडिपेंडेंट लोग ये कहेंगे कि तुमने इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन नॉलेज की है, वो साबित करो। तो जब मुझे कोई पूछता है डॉक्टर साहब आपकी PhD किस में है,
तो मैं कहता हूँ जी पीएचडी तो किसी में नहीं होती। हाँ, आप जिस पे मकाला लिखते हैं वो आपकी मर्जी है, पीएचडी बजाते खुद किसी मजमून पे नहीं की जाती। हाँ, प्रोफेशनल डॉक्टरेट्स मजमून में की जाती हैं, डॉक्टर ऑफ एजुकेशन है, डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी है, डॉक्टर ऑफ दिस है, डॉक्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, लेकिन जो असल पीएचडी है वो सिर्फ आपकी सोच को इस तरह ढालती है कि आप नॉलेज क्रिएटर बन सके। तो वो तो क्लासरूम चाहिए ना, वो तो मेंटरिंग चाहिए ना, आप ऑनलाइन तो नहीं ये काम कर सकते।